मेरी जान, तो जैसे आप सबको पता मेरा बेटा, हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स का चैप्टर कर रहे थे, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का। आपका 16 बनता है मेरा बेटा, और हमारे पंजाब वाले 17, 10 फिजिक्स। और अगर मैं इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट, या अगर ये कहूँ कि ये चैम्पियन क्वेश्चन भी है, तो ये कहना गलत नहीं होगा। बुक मुबारक एक मुझे भी दे दें आप अपनी, मेरे बेटे। CRO, कैथोड रेस ऑसिलोस्कोप। सबसे पहले तो आप इसके ऊपर ये लिख लें कि ये सबसे इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, और इसमें से बहुत सारा शॉर्ट क्वेश्चंस भी बनाए जा सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, कैथोड रेस ऑसिलोस्कोप। ठीक हो गया मेरे भाई, कैथोड रेस ऑसिलोस्कोप। अब मेरे बेटे, कैथोड रेस, इससे प्रीवियस टॉपिक में हम लोगों ने ये देख लिया, अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन गन से हम कैसे जनरेट करते हैं। इलेक्ट्रॉन गन वो बेसिक सेटअप था जिसमें हम फिलामेंट को प्रोवाइड करते थे वोल्टेज, और टेम्परेचर के इंक्रीज होने से एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देता था। उन इलेक्ट्रॉन को एक्सलरेट करने के लिए हम पॉजिटिव एनोड देते थे, फिर उनको मजीद फोकस्ड इलेक्ट्रॉन करने के लिए हम मजीद पॉजिटिव पोटेंशियल प्रोवाइड करते थे। अब मेरे बच्चे, उस सारे सेटअप को CRT, कैथोड रे ट्यूब भी कहते हैं। एक एवोकेटेड ग्लास ट्यूब के अंदर ये सारा सेटअप लगा देना, क्योंकि मेरे बेटे वो सेटअप हम लोगों ने किसके लिए पढ़ा था, CRO के लिए, कैथोड रे ट्यूब। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा ये बता दूं, ये ऑसिलोस्कोप एक्चुअली आपको ट्रबल शूटिंग में, अब ट्रबल शूटिंग किसे कहते हैं मेरा बेटा, इंजीनियरिंग में ये टर्म यूज की जाती है कि जब आप कोई इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट या डिवाइस या कोई कंपोनेंट बनाते हो, तो उसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को चेक करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, ऑसिलोस्कोप का। करंट और वोल्टेज आपको ऑसिलोस्कोप में वेव की सूरत में नजर आते हैं, जैसे कि आप अपने पेज 2 या आपकी बुक के अकॉर्डिंग 201 के राइट साइड बॉटम पे भी देख सकते हो, वेव की फॉर्म में नजर आ रहा होगा आपको मेरा बेटा। अब मेरे बच्चे जरा गौर करना, यही ट्यूब आपके टीवी में भी होती है, मॉनिटर्स में भी होती है, एलसीडी स्क्रीन के अंदर भी होती है। अब सबसे पहले हमें पता है इस ट्यूब में आप फिलामेंट ऑफ बल्ब की बात करो या फिलामेंट की बात करोगे, जिसको एक तरफ से आपने बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और एक तरफ से बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल अटैच किया। उसके बाद मेरे बेटे आप कंट्रोल ग्रिड की बात करते थे, जिसको आप नेगेटिव पोटेंशियल देते थे। कंट्रोल ग्रिड का काम क्या होता था कि अगर आप इसको, इसकी एक्सेस बढ़ा देते थे नेगेटिव की, तो आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को वो रिपेल करता था, मतलब आप आने वाले इलेक्ट्रॉन्स की तादाद को कम या ज्यादा कर सकते हैं। ये बिल्कुल सही तरह है मेरे बेटे, कंट्रोल ग्रिड। उसके बाद इन इलेक्ट्रॉन को एक्सलरेट करवाने के लिए आप एनोड प्रोवाइड करते थे पॉजिटिव, फिर एक्सलरेट का मतलब इनको मूव करवाना है, फिर मेरे बच्चे इनको फोकस करने के लिए इन द फॉर्म ऑफ बीम मजीद फोकसिंग एनोड प्रोवाइड करते थे आप, वो भी पॉजिटिव ही होता था मेरा बेटा। और इन्हें कैथोड क्यों कहते थे, क्योंकि हमारे पास इनकी जो नेचर है वो इलेक्ट्रॉन्स है और नेगेटिव है, और नेगेटिव को हम क्या कहते हैं, कैथोड रेस। अब इस सारे सेटअप को एक ट्यूब में, एवोकेटेड ट्यूब में बंद किया जाता है, जिसे हम क्या नाम देते हैं मेरा बेटा, CRT, कैथोड रे ट्यूब। इसके बाद मेरे बेटे मैं ऊपर आपको बता देता हूं, पहले आपके पास आती है CRT, कैथोड रे ट्यूब। सेकंड कंपोनेंट आपके पास मेरे बच्चे यहां पे होता है डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स का, कौन सा होता है मेरा बेटा, डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स। उसके बाद मेरे बच्चे आपके पास आता है फ्लोरिसेंट स्क्रीन। अब ये स्क्रीन के ऊपर आपको विजिबल लाइट में सिग्नल नजर आ रहे होते हैं, तो वो कैसे नजर आते हैं, ये तीन बेसिक कंपोनेंट हैं किसके मेरा बेटा, CRO के, कैथोड रेस ऑसिलोस्कोप के। अब मेरे बच्चे इसके बाद हमारे पास आ जाती है डिफ्लेक्टिंग सिस्टम आ जाता है। इस डिफ्लेक्टिंग सिस्टम में आपके पास दो तरह की प्लेट्स होती हैं, दो हॉरिजेंटल आमने सामने पड़ी होती है, एक तरफ से पॉजिटिव टर्मिनल दे दिया, दूसरी तरफ से नेगेटिव टर्मिनल दे दिया, मतलब इनको फंक्शन में लाने के लिए। और एक तरफ से आपके पास क्या होती है, वर्टिकल। इनका काम
इलेक्ट्रॉन बीम को, अब जरिए इसी हमें ग्राफ एक्स और वाइप दोनों पे चाहिए होता है, तो इलेक्ट्रॉन बीम को पूरी स्क्रीन पर स्वाइप करवाने के लिए हम किन का इस्तेमाल करते हैं, डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स का या डिफ्लेक्टिंग सिस्टम का। अब हायर क्लासेस में जाओगे तो इसका बेसिक फिनोमेना की बात करेंगे। अब मेरे बेटे इलेक्ट्रॉन बीम ट्रेवल करती हुई कहाँ से गुजरेगी मेरा बेटा, इसमें से, डिफ्लेक्टिंग सिस्टम में से। उसके बाद अब उसकी जो फाइनल डेस्टिनेशन है वो क्या है मेरा बेटा, स्क्रीन है। स्क्रीन पे जाके उसने आपको ग्राफ की सूरत में इमेज देना है। अब ये जो स्क्रीन है वो भी किसी स्पेसिफिक मटेरियल से बनी होगी। अब जा तो भाईजान यहां से इलेक्ट्रॉन रहे हैं, जा तो कह रहे हैं मेरा बेटा इलेक्ट्रॉन, लेकिन वो आपको इमेज दे रहे हैं। इट मींस कि ऐसा मटेरियल जो स्ट्राइकिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से आपको इमेज दे रहा है, ये है मेरा बेटा जिंक सल्फाइड, इसे फास्फोर भी कहते हैं, जिंक सल्फाइड आपकी बुक में मेरा बेटा लिखा हुआ है, परेशान होने वाली बात नहीं है। अब मेरे बेटे जब इलेक्ट्रॉन की बीम फास्फोर के इलेक्ट्रॉन के साथ जाके टकराती है, स्ट्राइक करती है, तो उनको किस स्टेट में ले आती है, एक्साइटेशन स्टेट में। वो एक्साइटेड हो जाते हैं, उनमें एनर्जी आ जाती है, और जब वो एक्साइटेड होंगे तो अपने ऑटोमोबाइल शेल से बाहर जाने की कोशिश करेंगे। जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन से जंप करके लोअर स्टेट में आएगा तो डेफिनेटली वो क्या रिलीज करेगा मेरा बेटा, एनर्जी। और वो जो एनर्जी रिलीज करेगा किस फॉर्म में करेगा मेरा बेटा, लाइट की फॉर्म में। और वो लाइट कौन सी होगी मेरा बेटा, आपके पास विजिबल लाइट होगी, तीन कलर की लाइट होगी आपके पास, जो आपके पास इमेज बनाती है, ब्लू ग्रीन एंड रेड, ब्लू ग्रीन एंड रेड। मैं अगेन वर्ड बोल रहा हूं कि हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसे पूरी वेव्स कहते हैं, मतलब पूरी एनर्जी लाइट की बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में 400 से 700 नैनोमीटर की लाइट को ही आप देख सकते हो, इससे कम या ज्यादा की चीजें हमें नजर नहीं आती। हालांकि वो नेचर में एग्जिस्ट करती हैं लेकिन इंसानी आंखों में नजर नहीं आती। जैसे कि आप किसी जगह पे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से सब एटॉमिक पार्टिकल्स, बैक्टीरिया या फंगाई को वगैरह को देखते हो तो डेफिनेटली वो इंसानी आंख से नजर नहीं आए, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से तो नजर आए। इट मींस दे आर एग्जिस्ट, लेकिन आपकी विजिबल में वो नहीं है। यहां तक क्लियर हो गया मेरा बेटा? अब इलेक्ट्रॉन ने जब इसे स्ट्राइक किया, इसने आपको इमेज दे दिया, डिफ्लेक्टिंग ब्लेड्स ने इसको पूरी स्क्रीन के ऊपर स्वाइप करवा दिया। अब इसके यूजेस की बात करें तो सबसे बड़ा यूजेस इसका इलेक्ट्रॉनिक्स में ही है। सबसे पहले मैंने बता दे दिया था ट्रबल शूटिंग करने के लिए वोल्टेज, और मोस्ट फ्रीक्वेंट यूज इन इलेक्ट्रॉनिक्स, सबसे ज्यादा कसरत से अगर इसका इस्तेमाल किया जाता है, जो हम लोगों ने भी बीएस ऑनर में किया था, वो लैब के अंदर जब हम किसी मटेरियल की ट्रबल शूटिंग कर रहे होते हैं, इसमें कितने वोल्टेज हैं, कितने करंट हैं। अब उस वोल्टेज और करंट को वहां जो आपके पास बेसिक एक CRO है उसी के साथ मोड्स बने होते हैं, आप उस सिग्नल की इंटेंसिटी को भी बढ़ा सकते हैं लाइक ज्यादा क्लियरली देखने के लिए, उस सिग्नल को एम्पलीफाई भी कर सकते हैं लाइक उसका एम्पलीट्यूड क्या कर सकते हैं, इंक्रीज भी कर सकते हैं। अब मेरे बेटे इसके अलावा टू मेजर द शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, बहुत कम टाइम को मेजर करने के लिए भी किसका इस्तेमाल कर सकते हैं इसका। उसके बाद मेरे बेटे मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस, वो हमें पहले ही पता है। डिस्प्ले द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द वेव फॉर्म, क्लियर हो गया मेरे बच्चे? ये था हमारा CRO, और अगेन ट्रबल शूटिंग का मतलब पहले ही बता दिया था, और साथ ये कि डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट जब हम डिज़ाइन करते हैं, बनाते हैं, तो दे हैव सम एरर्स, तो जहरी सी बात है उसको किसी डिवाइस में चेक करने से पहले आपके पास एक ऐसा पैरामीटर हो जिससे आप ये चीज़ बता सको कि यार हमने इसे सही काम लिया या नहीं, या ये सही काम करेगा या नहीं करेगा, उसके बाद उसको इंसर्ट करेंगे किसी भी सिस्टम में। तो ये हमारा आज का लेक्चर था, इंशाल्लाह नेक्स्ट बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स की कितनी टाइप हैं और किसमें क्या बात की जाती है। सो विश यू गुड लक, खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह हाफिज़।